कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं हर्ष मंडल। आप देख रहे हैं मेरे को सेल्फ यूनिक। गाइस आप में से बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए आप सबको पता है कि बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है। उन कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट्स में आपको बहुत ही ज्यादा डीप लेवल का ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, स्टेटप्रो का नॉलेज होना चाहिए, ई टेप्स का नॉलेज होना चाहिए, मैनुअल का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स के नॉलेज होने चाहिए। केवल स्टेटप्रो के टूल्स जान लेना, स्टेटप्रो को हमेशा क्या मैं बोलता हूं कि ये केवल कैलकुलेटर है, केवल स्टेटप्रो के टूल्स को जान लेना, दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ द बिकम अ सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर। टूल्स जान के कुछ नहीं होगा, टूल्स वर्क कैसे कर रहा है, उसके बाद जो वो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या मेथड अप्लाई कर रहा है, वो एलएसएम से कर रहा है तो एलएसएम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को फोकस कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन कितना प्रोवाइड कर रहा है, मोमेंट कितना प्रोवाइड कर रहा है, सीयर कितना प्रोवाइड कर रहा है, हॉगिंग या सैगिंग आ रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो मुझे आपके 4 मंथ्स चाहिए। ऑलरेडी मेरी 2 बैचेस बहुत ही सक्सेसफुल रन हो रही हैं। मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के प्रोसेस में। डेफिनेटली उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो स्टेटप्रो पे प्रॉपर प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोगों ने बहुत ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं स्टेटप्रो पे, एनालिसिस करके, ऑटोकैड पे प्लानिंग करके, सेंटर लाइन निकाल के, डिटेलिंग करके प्रोजेक्ट प्रॉपर सबमिट कर देते हैं। इस लेवल की मैं ट्रेनिंग्स हमारे गुरुकुल में केवल और केवल 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो स्ट्रक्चर इंजीनियर की पूरी ट्रेनिंग में 4 मंथ्स में कंप्लीट कराता हूं, जिसमें आपको ढेर सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, लगभग 250 घंटे की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, उसके साथ ही साथ 100 घंटे की लाइव बैच, मतलब मैं आपके साथ डेली 4 महीने तक 1.5 घंटे तक आपके साथ रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें केवल केवल 20 बच्चे होते हैं। हमारे साथ कितने बच्चे होते हैं, 20 स्टूडेंट्स केवल होते हैं जिनके साथ हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। उनको हम स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए ढेर सारे लाइव प्रोजेक्ट्स, मतलब अगर अप्रोक्स कैलकुलेट किया जाए तो 50+ लाइव प्रोजेक्ट्स उनको कराते हैं, ऑटोकैड में, स्टेटप्रो में, ईटेप्स में, सेफ में, आरसीडीसी में, मैनुअल, एक्सेल, उसके साथ ही साथ उनको रैबिट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स भी सिखा देते हैं। सो दैट कि वो कहीं पर जाएं तो कल को कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ ही साथ वो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी करके एक्स्ट्रा इनकम भी कर सके। तो ये तो पक्का मान लो कि अगर आप मुझे 4 मंथ्स 100% डेडिकेशन के साथ यहां से दोगे तो आप कोई भी स्ट्रक्चर का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन आपके ट्रेनिंग के अंदर से होगा, 95% चांस यही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके हर वीक में इंटरव्यू लेता हूं। किसी वीक में रिटन टेस्ट होता है, किसी वीक में मॉक इंटरव्यू होता है, किसी वीक में कैट टेस्ट होता है। इस तरीके से आपको मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर करता हूं। हर वीक एक्टिविटी होती है, मींस लगभग आपका डेली का अगर आपके पास 4 घंटे हैं, कितने 4 घंटे हैं, जिसमें से 1.5 घंटे मुझे चाहिए, लगभग 2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस और वीडियो लेक्चर्स वॉच करने के लिए चाहिए। तो पूरा एकदम कंबाइंड सीरीज होता है ये 4 महीने का। अगर आपने मुझे डेली का 4 महीना दे दिया और 4 महीने तक दे दिया, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको ऐसा बनाएगी कि आपको लगेगा मैं 4 महीने पहले इधर उधर अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खराब करता था, आज मैं ऑटोकैड पे प्लानिंग कर रहा हूँ, वर्किंग ड्राइंग बना रहा हूँ, समेशन ड्राइंग बना रहा हूँ, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग की ड्राइंग्स बना रहा हूँ। कितने मजे की बात होगी ना, आप पूरा प्रोजेक्ट ऑटोकैड पर आप करके दोगे, उसके बाद स्टेटप्रो पे एनालिसिस करोगे, उसको आरसीडीसी से डिटेल करोगे या फिर ऑटोकैड में खुद से डिटेलिंग कर लोगे, ईटेप्स पे हाई रेज बिल्डिंग डिजाइन करोगे, उसके सेफ पे फुटिंग और स्लैब्स डिजाइन कर लोगे, उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए मैनुअल या एक्सेल जब सीख लोगे, और किसी ने पूछा कि भाई थोड़ा मॉडल भी बना के दोगे तो रैबिट आर्किटेक्चर पे मॉडलिंग दे दोगे, उसके साथ ही साथ उनको क्या करना है कि अगर उन्होंने बोला कि मुझे 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग चाहिए, रैबिट स्ट्रक्चर पे 3D डिटेलिंग्स करके दे दोगे। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको बनना है, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई देने में, आपके पास रिप्लाई आएगा, आप आराम से सीवी शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सीवी शेयर कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है ये भी बता दूंगा। 4 मंथ्स चाहिए और इसका जो मॉर्निंग का जो टाइमिंग है वो 9 to 10:30 है, कितना है, 9 बजे से 10:30 तक है मॉर्निंग में। आराम से आप इसको अगर अच्छे तरीके से 2 महीने कर लिए ना, आप इंटरव्यू क्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। इसमें जॉब के असिस्टेंस भी दूंगा, कहाँ कहाँ पे जॉब ओपनिंग चल रही है वो भी बताऊंगा। पोर्टफोलियो मैं इंडिविजुअल आपका पोर्टफोलियो बनवाऊंगा, इंडिविजुअल आपका रिज्यूमे, कवर लेटर, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल कराऊंगा। इसमें हम लोग केवल केवल नॉर्मल स्टैटिक एनालिसिस नहीं पढ़ने वाले, डायनेमिक पढ़ने वाले, डायनेमिक एनालिसिस,
पी डेल्टा इफेक्ट्स क्या होते हैं, लीनियर एनालिसिस क्या है, नॉन लीनियर एनालिसिस क्या है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या है, रन स्ट्रक्चर सॉरी टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस जिसको आपने कभी पुश ओवर एनालिसिस क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, उन सब कॉन्सेप्ट्स को डायनेमिक के सारे कॉन्सेप्ट, स्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है। सब किस तरीके से सेस्मिक को मैनुअली कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से विंड को मैनुअली कैलकुलेट करते हो, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, हॉगिंग, सैगिंग, किस तरीके से रेनफोर्समेंट डिटेलिंग दोगे कॉलम के अंदर, बीम के अंदर किस तरह डिटेलिंग दोगे, स्लैब में कैसे रेनफोर्समेंट डालोगे, उसके बाद स्लैब में क्रैंक क्यों डालते हैं, क्रैंक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बीबीएस कैसे निकालते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस कम हो गया है, तो आपको पता चल सके कितना कुछ है इसके अंदर। मतलब बिना सिलेबस के मुझे इतना चीजें आपके मेरे दिमाग में सेट हुई है कि इतना सब कुछ तो आपको आना ही आना चाहिए, और सब कुछ कॉलम को कैसे डिजाइन करोगे, बीम को कैसे डिजाइन करोगे, स्लैब को कैसे डिजाइन करोगे, कॉलम में कितने टाइप्स के कॉलम होते हैं, बीम में कितने टाइप्स की बीम्स होती है, स्लैब में कितने टाइप्स के स्लैब होते हैं, सियर वॉल क्या होता है, सियर वॉल के डिफ्लेक्शन, सियर वॉल के टाइप्स, रिटेनिंग वॉल क्या होती है, बीबीएस इनके कैसे निकालोगे, सब कुछ, कॉलम के पोजीशंस, कॉलम किस साइज का रखा जाए, कॉलम को ओरिएंटेशन क्या रखा जाए, बीम का डेप्थ कितना रखा जाए, बीम कहां कहां पर डिफाइन करनी चाहिए, फुटिंग कौन सी फुटिंग कहां पर रखनी चाहिए, पूरा सीरीज है। ठीक है, अब मैं इतने कम टाइम में इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसके आगे भी बहुत कुछ है, बट इसके आगे आई थिंक सबसे जो इंपॉर्टेंट वो है ट्रस्ट। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपको लगता है कि सर एक जेन्युइन इंसान है, बिलीव करो, अपने आप मुझसे किसी को अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट्स ही नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए कैसे हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग की ट्रेनिंग चलती है। 4 महीने अगर आपने दिया तो आप निराश नहीं होगे, ठीक है, कहीं भी जाओगे, चाहे ड्राफ्टिंग हो, चाहे स्ट्रक्चर के एनालिसिस हो, किसी भी प्रोफाइल पे फोड़ के आओगे इंटरव्यू, ये पक्का है। लेकिन ये उनके लिए है जो कंसिस्टेंसी के साथ डेली असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए नहीं है जो पैसे दे दिए, आराम से बैठे आप तो जॉब लगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ बताता हूं यहां ओपनिंग से, अब आपके ऊपर स्किल है कि आपको मैं तैयारी करवा दूंगा, भाई वहां क्या क्या पूछ सकते हैं, अब परफॉर्म तो आप ही को करना है। इसके लिए जो फी रखी जाती है वो 20,000 की फी रखी जाती है, उसको आप एज पर योर कंफर्ट ईएमआई बेस पे उसको कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, वहां पर सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ अपना रिज्यूम जरूर शेयर करना, क्योंकि रिज्यूम जब शेयर करोगे तो मुझे आइडिया लगेगा, अच्छा ठीक है आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। अगर आपकी रिज्यूम उस चीज से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं बिल्कुल भी आपको गलत गाइडेंस करने वाला इंसान कहीं से भी नहीं हूं। अगर मुझे लगेगा आपको नहीं बनना चाहिए स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो आप उसी समय में बता दूंगा कि यार दिस प्रोफाइल इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप अपनी सीवी को सेंड करके चेक करा सकते हैं कि सर मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर जेन्युइन होगा कि हाँ यार आपके करने से आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको बैच के अंदर लेके, ये पक्का है कि 20 में से 200 बच्चों को निराश नहीं जाने दूंगा, वो कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। और वो सबमिट कोई ऐसा नहीं कि वो मेरे सामने करेंगे, ऐसा होगा कि YouTube के सामने करेंगे। ऑलरेडी मैं जो ओल्ड बैचेस चल रहे हैं उनमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं शेयर करता हूँ, ढेर सारे आप लोग YouTube पे देख सकते हो, सिविलिंग गुरुकुल कैसे बैचेस चलती है, मजा आता है। डेली 1.5 घंटा होता है जिसमें से आधे घंटे में सिर्फ आपके असाइनमेंट चेक करता हूं और आपको असाइनमेंट देता हूं, नेक्स्ट आधे घंटे में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देता हूं नए नए स्ट्रक्चर्स के डेली बेसिस पे, कभी बीबीएस होता है, कभी कॉलम्स होते हैं, कभी कॉलम के टाइप्स, कभी किसमें कितना परसेंटेज, कभी आईएस कोड के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कभी आईएस 1893 के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कभी आईएस 800 के की पॉइंट्स, सब सीरीज में है। तो डेली आधा घंटा हमारा डिस्कशन ये होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आधा घंटा होता है उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, उसके आपको आंसर्स देता हूं, जो कि पूरा 1.5 घंटे का कंबाइन होता है। इसके बाद आपको दी जाते हैं कि आज आपको लेक्चर नंबर यहां से लेक्चर नंबर यहां तक, अगर आपने ऑल इन वन ले रखा है, आप कंटिन्यूटी के साथ सीख नहीं कर पा रहे हो, आप भी आ सकते हो, आपके साथ बेनिफिट ये होगा कि आपने जो भी ऑल इन वन का फी दिया होगा वो यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीम की भी बैच है, तो बीम के बारे में कल अनाउंस करेंगे, अभी स्ट्रक्चर्स के लिए अनाउंस कर रहा हूं, 9 to 10:30 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली। पहले 5 अगस्त से प्लान था, लेकिन मैंने थोड़े से मेरे कुछ काम अभी प्रोजेक्ट पेंडिंग है, प्लस मेरी भी करेंट मैचेस थोड़े से लेवल पे आ जाए, इसलिए मैंने सोचा 10 अगस्त से आराम से हो जाएगा। तो 10 अगस्त से ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है, लेट मत करना। अगर आपको सच में स्ट्रक्चर नहीं बनना है और आप निराश हो कि यार कहीं पर जॉब नहीं लग रहा है, कहीं पर सीवी शॉर्टलिस्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा नॉलेज को गेन करो, ये पक्का है। ये नहीं कि मेरे से नॉलेज गेन करो, कहीं से भी करो, जैसे नॉलेज गेन करोगे ना दोस्त, कॉन्फिडेंस ग्रेज होगा, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस तुम्हारा रेज होगा ना, तो तुम इंटरव्यू अच्छे से परफॉर्म करोगे, सीधी सीधी बात है यार, ठीक है। अगर मैं सब्जी बनाने जाऊंगा तो मैं डरता रहूंगा, नमक कितना डालू, हल्दी कितना डालू, कभी देखा है कि मम्मी डर डर के हल्दी डाल रही हो, ठीक है, कभी देखा है कि मम्मी ने नमक डालते समय नापा हो कि कितना नमक की जरूरत है, क्यों,
कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सीख सीख के हम और तुम कंफ्यूज रहते हैं, हम तो चीनी भी चाय में भी चीनी डालते हैं, सोचते हैं मीठी ना हो जाए, क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस चीज का नॉलेज है, इस चीज में आपको एक्सपर्ट होना है, तो आइए हाथ मिलाइए। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आप 4 महीने दीजिए, इसके बाद रिजल्ट आपके हाथों में होगा। सबके सामने बोल रहा हूं, आपको खुद मैं लेके आऊंगा यहाँ पर, एक एक बच्चों को लेके आऊंगा यूट्यूब पे लाइव, कि आप अपना फीडबैक शेयर करिए, डेफिनेटली लोग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और अगर आना है तो जल्दी इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि सीट बुक होने के बाद फिर मैं 21वीं सीट नहीं लेने वाला हूँ, 20 मतलब सिर्फ 20, ठीक है? तो व्हाट्सएप कर लो फटाफट, उसके बाद जैसे भी होगा आगे प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।